तो दोस्तों इसी ऐसी है, मतलब परिस्थिति इतना है कि मैं इस वक्त नागालैंड के किफरी विलेज यानी किफरी डिस्ट्रिक्ट में, तो आप देख सकते हो मेरे पीछे इतना गहरा खाई है, जैसे कि ये गुजरता हुआ रास्ता है आपके ठीक सामने से, तो देखने के लिए मजा आ जाएगा। वो स्टेशन देखना है तो यही आ सकते हो। ये ऐसे झरना ऐसे खाई है कि आपको क्या दिखाऊं, दिखाता चलो ये देखो आप, ठीक है ना, इतना गहरा खतरनाक खाई। तो अब मेरे ठीक पीछे ये सड़के हैं, सिंगल लाइन है, छोटा सा लाइन है, उसी में आपको गुजरना होगा, इसी से जाना होगा। और जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे यही गाड़ी है, इसी से हम आया है। तो ये सब कुछ दृश्य देखने वाले हैं, मनमोहक है नजारा, आपको काफी रोमांचित कर सकती है। और ये पीछे किफरी ना निकाल, ये रहा किफरी, ये किफरी जिला है जो कि दिमापुर का कितना नंबर जिला होगा, कितना जिला होगा किफरी तुम्हें, 11 में से ये कितना नंबर पता नहीं, जो भी हो। तो दिखाता चलो, ये देखो अब नजारा, ये देख सकते हो कितना अच्छा बढ़िया आ रहा है, लेकिन सिनारी तो सिनारी बढ़िया है, परफेक्ट है। तो दिलाई नहीं ऐसे ही मतलब कुछ टाइम पास के लिए बना रहा था। तो यारो क्या बढ़िया है। तो हमारा ड्राइवर साहब, हमारे उनका शुक्रिया क्या अदा करूं। तो देखिए खाई इतनी गहरी है कि यार मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा देखने से। और सेफली चलना भी पड़ेगा आपको अगर आप चलना चाहो तो। स्थिति काफ़ी गहरा है, काफ़ी डेंजरस है, तो आओ मिलो देखो क्या होता है। तो इसी में चलते हुए हमारा भाई साहब, आपसे को ले सकता हूँ थोड़ी देर के लिए? नहीं लेना है तो चलो कोई बात नहीं। तो अभी हमारा काफिला चलता हुआ, जैसे कि हम छोटा सा एल्टो में आया था, तो इसी से अपना गुलदस्ता, अपना जो सफर है यही से खत्म होता हुआ। तो इसी बीच में हमारा ड्राइवर साहब का शुक्रिया क्या अदा करूँ, बहुत ज्यादा अदा करना पड़ेगा, इसलिए कर ले। तो बात चलते हुए देखिए, अभी आपको नहीं ले रहा, आपको नहीं ले रहा, बाकी तो बहुत मेहनत करता हूँ यार, फिर भी आप लोग हमें तो अच्छा नहीं पाते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे को भी त्रास कर दो यार, मेरे लिए भी आप समझ ही रहे हो। वैसे मैं कहूँगा नहीं कि कभी भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी आप मेरा परफॉर्मेंस को देखो, एक आर्टिस्ट का गोल को देखो, उसके बाद आप करना चाहो तो कर सकते हो। देखो इस वक्त मैं नागालैंड में हूँ, परिस्थिति इतना विकराल है, इतना खराब है, खराब है, उसके बावजूद आप सबके लिए मैं कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात ये है, मेहनत कर रहा हूँ, मुझे फल तो चाहिए, तो फल देना किसको है, आप सभी को देना है, तो किस तरह से देना है आप सबको पता भी है। वैसे मैं कहने वाला है बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर से कहूंगा मेरा अगर अच्छा लगे तो बाकी आप जो करना चाहो तो करो। वैसे भी मैं इस वक्त काफी परेशानी में हूँ, हैंडल मैनेज करना, ड्राइविंग करना वगैरह वगैरह कर करके कैसा आदमी कहाँ पर आना पड़ता है। तो आप भी आना चाहो तो एनी टाइम आओ, लेकिन नागालैंड में सफर करना मेरे लिए अपना आपको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन कहना नहीं चाहिए नागालैंड में सफर करना आपके लिए अच्छा बिल्कुल रहेगा भी और नहीं भी, क्योंकि इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ में ट्रेवलिंग के लिए आपको सुविधा हर चीज का नहीं मिलता यार। जैसे कि आपका गाड़ी कहीं चल रहे हो, आपका गाड़ी में गाड़ी अगर खराब कंडीशन अच्छा ना हो तो बुरा रिस्क है, दूसरी बात कहीं पंचर हो गया, कुछ इधर उधर की हो गया तो वो भी पलने वाला नहीं है। तो आज चलते वीडियो बनाने का मजा ही कुछ हो रहा है यार, आपको अच्छा लगे बुरा लगे मुझे नहीं पता, मैं बस करता जाता हूँ। अभी मेरे भाई भी सामने बैठा है, उनको नहीं ले सकता, अगर ले लूँ मेरे वीडियो में तो भड़क जाएंगे, 15,000 की बात करेंगे वगैरह वगैरह। तो चलो यारो, ऊपर से पेट में भी दाना नहीं है, आज पहली बार मैंने रोजा भी रखा है, तो हो जाता है परिस्थिति कभी कभी आपको साथ नहीं देती है, लेकिन आप उसमें एडजस्ट करना पड़ता है। किसी भाई ने मुझसे आज भी कहा था कि भाई किस तरह का बंदे हो, किस टाइप से हो, तो दोस्तों लोगों को क्योंकि लोग अपना चेहरा देखते हैं, जो सड़ा पुजा दिखाई देता है ना, नजर नहीं आता कौन किस टाइप से है, कौन किस तरह से है, तो ये सब बातें करना बेकार की बातें हैं। तो इसी चलते हुए और कुछ नजारा दिखा देता हूँ, तो कोशिश तो यही है अच्छी होगी, और उधर से बाइक भी नहीं लगा, हेड अगर हेड तो होता यार।
परिस्थिति से गुजारना पड़ता है। कई बार क्या होता है, आप सोचोगे भी नहीं ऐसा होता, लेकिन आपके साथ इंसिडेंट ऐसे हो जाता है। आप देख सकते हो मेरे पीछे, हेलो सुल्तान नगाले सिंगर थे, सिंगर है, झील है, झरना है, झील ज्यादा है यार। इतनी गहरी पहाड़ी है, यही सब है कहना तो बस बहुत कुछ आ रहा था लेकिन हो नहीं पाता। और वैसे भी मेरे को यूट्यूबर के बनने का शौक ज्यादा नहीं आया हूँ, कुछ करने की चाहत है मुझे, चाहत रखना तो चाह रहा था, थोड़ा बड़ा कुछ टाइम पास करता चला। ऐसी झील झरना ऐसी बात है कि बीच आना तो अच्छी बात है, मगर आओ जब भी आओ लेकिन उस हिसाब से आओ जैसे कि आप हो, केयरफुली आया करो और सामान आप साथ रखो, क्योंकि यहाँ कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपको कोई साथ देने वाला नहीं, कोई देने वाला नहीं। और ऐसा कोई फैसिलिटी भी नहीं है कि आप कभी पैसा होने से भी बेकार, पैसे से भी कोई काम होने वाला नहीं है।